नमस्कार प्रणाम, हम शशिकांत यादव वंशी अभी सूरत में है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 बिहारी फंसे हुए हैं। हम लोग 3 दिन से गुहार लगा रहे हैं, गुजरात सरकार बिहार सरकार कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। अब तो हमारे रूम पे राशन पानी भी ख़त्म हो गया है, तो हम चाहेंगे, हमने सुना है फरिश्ते का नाम अपने बिहार में, अभिमन्यु भैया का नाम सुने हैं, तो हम चाहेंगे, तो अभिमन्यु भैया से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारे बिहारी 60 बिहारी जो फंसे हुए हैं, देखिए अभिमन्यु भैया आइए, जो 60 बिहारी यहाँ पर फंसे हुए हैं, प्लीज़ आप हम लोग की मदद कीजिए। हम लोग चाहते हैं बिहार लॉकडाउन के कारण नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग को राशन पानी का कुछ व्यवस्था कराइए ताकि हम लोग खाने पीने खा पी सके, कुछ अपना ज़िंदगी अपने आगे के लिए गुजार सके। तो हम प्लीज़ हम अभिमन्यु भैया से हम यही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे जो बिहारी फंसे हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए कुछ राशन पानी का व्यवस्था कीजिए। और मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे बहुत मुझे आस है, ताकि मैं बहुत लोगों को फ़ोन किया, लेकिन अभी तक हमारा कोई नेता, कोई गुजरात सरकार या बिहार सरकार हमारी मदद के लिए आगे नहीं आई है। सभी लोग बातें कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं कर रहा है। तो हम अभिमन्यु भैया से हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनती कर रहे हैं कि प्लीज़ भैया आप हम लोग को मदद कीजिए, इस दुख की घड़ी में आप ही हम लोग को निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह लोग, सारे लोग अभी 50 से 60 लोग हैं, कुछ लड़के रूम पर भी अभी है, किस तरह लोग मजबूरी में हैं, फंसे हुए हैं। तो प्लीज़ भैया आप हम लोग को इस मजबूरी से निकालिए।